दोस्तों, आज मैं आपको ग्रामर में बताने वाला हूँ फॉर्म क्लासेस स्ट्रक्चर वर्ड एंड डिटरमिनर। आज आपको फॉर्म क्लासेस वर्ड एंड डिटरमिनर के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले आपको क्लासेस स्ट्रक्चर वर्ड एंड डिटरमिनर को जानने से पहले ग्रामर में हमको एफएक्स के बारे में जानना पड़ता है कि एफएक्स क्या होता है। ग्रामर में एफएक्स जो है फर्स्ट में आता है कि एफएक्स क्या होता है उसके बारे में जानिए। तो एफेक्स क्या होता है? एफेक्स वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से एफेक्स वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ को नहीं रखता है, कोई खास अर्थ को नहीं रखता है, परंतु कुछ शब्द के आगे और पीछे जुड़ करके उसका अर्थ में परिवर्तन ला देता है। एफेक्स एक ऐसा शब्द है जो कोई खास नहीं होता है, उसको सिंपल वे में समझिए, बट वो किसी वर्ड के आगे या पीछे जुड़ करके उसका अर्थ को बदल देता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एस या ईएस। अब मान लीजिए किसी शब्द में एस या ईएस लग जाता है तो उसका अर्थ बदल देता है। डी या ईडी जुड़ जाता है उसका अर्थ बदल देता है। आईएनजी जुड़ जाता है उसमें अर्थ बदल जाता है। इवेन जुड़ जाता है। अनलेस, एनी डब्ल्यू एस, इन सबको जोड़ दिया जाता है, शुरू में या लास्ट में जोड़ दिया जाता है, तो उसको जो है एफेक्स बोलते हैं। वो जो है शब्द को, वर्ड को परिवर्तन ला देता है। एफेक्स के बारे में समझ में आया कि एफेक्स किसे कहते हैं? जो शुरू में या लास्ट में जुड़ कर किसी वर्ड का मतलब को बदल देता है उसको हम एफेक्स बोलते हैं। अब एफेक्स के दो प्रकार होते हैं, एफेक्स के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स किसको बोलते हैं? जिस एफेक्स को किसी वर्ड के अंत में जोड़ा जाए, मतलब जिस एफेक्स को किसी वर्ड के अंत में जोड़ा जाए उसको हम सफिक्स बोलते हैं। वर्ड के अंत में जोड़ा जाए, जैसे इट, इट्स, उसके अंत में जुड़ रहा है, एस जुड़ रहा है, डू, डज, एस जुड़ रहा है, उसके अंत में जुड़ रहा है डू के बाद, तो जिसके अंत में जुड़ रहा है उसको सफिक्स बोलते हैं। और प्रीफिक्स किसको बोलते हैं? जिसको मतलब शुरू में ही जोड़कर, जिस किसी वर्ड के शुरू में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे उसको हम ये प्रीफिक्स बोलते हैं। शुरू में जोड़कर मतलब अन, इवेन, अन डिस, यानी कि डिस एंड डिसक्वालीफाई, अप ईटीसी। मतलब देखिए इसको सिंपल वे में अफिक्स उसको बोलते हैं जिस किसी वर्ड के शुरू या अंत में जुड़ करके उसका अर्थ बदल दे उसको हम अफिक्स बोलते हैं। सफिक्स किसको बोलते हैं? अफिक्स का ही दो प्रकार है, सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स उसको बोलते हैं किसी वर्ड के अंत में ला करके किसी वर्ड का मतलब बदल देता है उसको हम सफिक्स बोलते हैं। और ये प्रीफिक्स जो शुरू में ही जुड़ करके उस वर्ड का मतलब बदल देता है उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो आपको एफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स के मतलब समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसे क्या करना है। एग्जाम्पल में भी आपको दे दिए एस, यस, डू, डी, आई एन जी, अनलेस, समझ में आ गया। इस पर हम कुछ वर्ड भी आपको देंगे जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आए। अब ये देखिए सफिक्स का प्रयोग, सफिक्स का प्रयोग कहाँ हुआ है? सफिक्स हम आपको पहले ही बताया था कि सफिक्स का प्रयोग जो शुरू में जुड़ जाता है लास्ट में जुड़ जाता है उसको सफिक्स बोलते हैं, और शुरू में जुड़ता है तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तब देखिए इसमें एस, ई एस, डी, आई एन जी, एल वाई, जो ये जो है, ये देखिए काउ है, काउ में एस जुड़ गया, यहाँ पर काउ, ढेर सारी गाय हो गया। ई एस बॉक्स, ई एस बॉक्सेस हो गया। डी इसमें जुड़ा है प्रूव, इसमें डाल दिए तो प्रूव्ड हो गया। अब ये आई एन जी है, ईट के लास्ट में जुड़ गया था, आई एन जी जुड़ गया तो ईटिंग हो गया। अब एल वाई है, स्लो के लास्ट में जुड़ गया तो स्लोली हो गया। तो इस सब का मतलब, इस सब का आपको वर्ड जो है बदल जा रहा है। एक गाय था यहाँ पर, बहुत सारी गाय हो गई, लग गई, तो उसीलिए एक बॉक्स था, बहुत सारे बॉक्सेस हो गए। तो इसी तरह से आपको जो है लास्ट में जुड़ करके सफिक्स जो है अपना वर्ड बदल देता है। तो आपको ये कभी भी एग्जाम में पूछ देगा कि आपको कोई वर्ड दे देगा उसमें बोलेगा सफिक्स लगा के बताइए, प्रीफिक्स लगा के बताइए, उसका वर्ड जो चेंज होता है तो उसके बारे में। अब जैसे प्रीफिक्स हो गया, तो प्रीफिक्स में क्या हो गया? शुरू में इवेन जुड़ जा रहा है, काइंड है, अनकाइंड हो जा रहा है। एम आई एस मिस जुड़ रहा है टेकन में तो मिसटेक हो जा रहा है। डी आई एस जुड़ रहा है क्लोज में तो डिस्क्लोज हो जा रहा है। डी जुड़ रहा है फॉर्म में तो डिफॉर्म हो जा रहा है। आई एम जुड़ जा रहा है, आई एम जुड़ जा रहा है पॉसिबल में तो इम्पॉसिबल हो जा रहा है। ये पॉसिबल है, आई एम जोड़ दीजिए तो इम्पॉसिबल हो जा रहा है। तो ये आपको जो है आपको समझ में आ गया कि सफिक्स का एग्जाम्पल देकर बता दिए, प्रीफिक्स का एग्जाम्पल देकर बता दिए कि किस तरह से जोड़ा जाता है सफिक्स और प्रीफिक्स।
हम उसको आपको बनाने के लिए भी कुछ कुछ वर्ड देंगे कि जिसमें आप सफिक्स जोड़ के बताइए, प्रीफिक्स जोड़ के बताइए। इसके बाद हम आगे चलेंगे आपको स्ट्रक्चर और वर्ड के बारे में, कि स्ट्रक्चर और वर्ड क्या होता है उसके बारे में हम अभी बताएंगे इसी वीडियो में। आपको फॉर्म क्लासेस के बारे में बता रहे हैं कि फॉर्म क्लासेस क्या है। फॉर्म क्लासेस आधुनिक युग में ग्रामेटिकल के अंग्रेजी के शब्दों के अनुसार एक नया वर्गीकृत किया गया है, जिसके अनुसार शब्दों के सिर्फ दो भेद होते हैं। पहला है फॉर्म क्लासेस, दूसरा है स्ट्रक्चर वर्ड। पहला फॉर्म क्लासेस है, दूसरा स्ट्रक्चर वर्ड है। आप समझिए कि फॉर्म क्लासेस किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत सिर्फ वैसे शब्द आते हैं जो एफिक्स के प्रभावित होकर अपना रूप बदलते हैं। फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत वैसा शब्द आते हैं जो एफिक्स के अंतर्गत आकर अपना रूप बदलते हैं, एफिक्स जुड़ करके अपना अपना अर्थ बदलते हैं। अब फॉर्म क्लासेस के निम्नलिखित चार भेदों में बांटा गया। फॉर्म क्लासेस जो है उसको निम्नलिखित चार भेद में बांटा गया है। पहला है नाउन, दूसरा है एडजेक्टिव, तीसरा है वर्ब और चौथा है एडवर्ब। फॉर्म क्लासेस को भी चार भागों में बांटा गया है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। तो अब बताइए कि नाउन, नाउन में क्या आता है। नाउन में कैट आता है, इसके लास्ट में जोड़ दिए तो कैट्स हो गया। बॉय, बॉयज, बॉक्स, बॉक्सेस। नाउन, नाउन के बारे में आपको बताएंगे। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब का भी परिभाषा हम आपको लिखवा देंगे। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत ये आते हैं सारे चीज, इसको भी हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। अभी इसके बारे में बता दे रहे हैं कि नाउन जिसको मतलब जो जिसका नाम से डिनोट किया जाता है, जैसे कैट, डॉग, बॉय, बॉयज, ये जो है लास्ट में जुड़ गया है। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव में फास्ट, इसमें ई, इसमें ईयर, ईयर, ईयर जुट गया, फिर इसमें आई ई एस टी जुट गया, तो फास्ट, फर्स्ट, फास्ट, फर्स्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, इजी, इजीएस्ट, इजीएस्ट हो गया आपको ये। और फिर आपको जो है वर्ब, वर्ब में आपको प्ले है। वर्ब मतलब क्रिया होता है, क्रिया, क्रिया मतलब प्ले मतलब खेलना, जिसके अंत में ना लग जाता है उसको क्रिया बोलते हैं, तो खेलना। और इसमें ईडी जुट गया है। टॉक है मतलब बात करना, इसमें ईडी जुट गया तो बातचीत की हो गया, इसमें टॉक हो गया तो बातचीत की हो गया, टॉक में बात करना होता है, ईडी जुट गया तो बातचीत की हो गया। अब एडवर्ब, एडवर्ब जो है हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश होता है, लेकिन इसमें कुछ है हैप्पीली, हैप्पीली मतलब, हैप्पीली का मतलब आनंद से, आनंद से। उसके बाद ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत होता है, लेकिन इसमें डबल एल वाई जुट गया है लास्ट में, तो इसमें हो गया खूबसूरती से। स्लो, स्लो मतलब धीरे होता है, लेकिन इसमें स्लो लग गया तो इसमें हो गया धीरे से। तो आपको समझ में आ गया फॉर्म, फॉर्म क्लासेस क्या होता है। फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत फॉर्म क्लासेस का चार भेद होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। उसका जो है आपको एग्जांपल देकर बता दिए फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत कौन से आते हैं। अब उसके बाद आपको बताते हैं स्ट्रक्चर वर्ड किसको बोलते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड जो है, स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, स्ट्रक्चर वर्ड किसको बोलते हैं उसको बताते हैं। क्योंकि अब स्ट्रक्चर वर्ड के आगे इसी तरह से हम एग्जाम्पल दे करके परिभाषा करके बताते हैं। देखिए अब आगे ये स्ट्रक्चर वर्ड, स्ट्रक्चर वर्ड किसे कहते हैं। उन सभी शब्दों को स्ट्रक्चर वर्ड कहा जाता है जिस पर एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। स्ट्रक्चर वर्ड जैसे देखिए, अभी फॉर्म क्लासेस पढ़ाए थे जिसमें एफिक्स का प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन स्ट्रक्चर वर्ड उन सभी वर्ड को हम स्ट्रक्चर वर्ड बोलते हैं जिस पर एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मुख्य काम होता है स्ट्रक्चर और सेंटेंस और स्ट्रक्चर को स्पष्ट करना होता है, उसको हम स्ट्रक्चर वर्ड बोलते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड के भी मुख्य भेद होते हैं डिटरमिनर्स, आपको प्रोनाउन, एक्सिलरीज, प्रीपोजिशन, इंट्रोजक्शन, कंजक्शन, सेंटेंस कनेक्टर, सब ऑर्डिनेट, फिर क्वेश्चन वर्ड। इन सभी को हम स्ट्रक्चर वर्ड बोलते हैं। इसके मुख्य भेद जो है 10 हैं स्ट्रक्चर वर्ड के। अगले वीडियो में हम आपको स्ट्रक्चर वर्ड के बारे में डिटेल से बताएंगे कि स्ट्रक्चर वर्ड में कौन कौन से वर्ड आते हैं, डिटरमिनर्स क्या होते हैं, प्रीपोजिशन क्या चीज होते हैं, प्रीपोजिशन क्या चीज होते हैं, कंजक्शन क्या चीज होते हैं। तो आप अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे इसके बारे में, और तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और ग्रामर के बारे में किसी भी प्रकार के जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो से देख सकते हैं, आपको टोटली ग्रामर का जानकारी हम देंगे। तो अब पूरा ग्रामर की जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।